ब्रेक में हम लोग चाय पीते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन ये PSL का माशाल्लाह इतनी क्रिकेट का एक फीवर जो कहते हैं वो इतना ज्यादा है कि ड्यूरिंग आर ब्रेक ऑल्सो हम लोग बातें शाते ही करते रहे. छोटी सी मैं आई विल गो टू द स्पॉन्सर्स, क्यों हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से हमें ये इतने मजे मजे के प्रोग्राम्स और इतनी मजे मजे की बातें और हम लोग आपकी तरफ जो लेके आ रहे हैं. उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सो टू ग्रेटर हाइट्स, ये इनका स्लोगन है. एंड बिलीव मी, उड़ान की जो कहते हैं ना कि मतलब भी यही होता है. टेलीनॉर जो हर पाकिस्तानी चाहे, और टेलीनॉर की वजह से हम लोग आपके पास एक अलग सेगमेंट भी लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग आपके हर रोज और हर मैच जो हमारी प्रोग्राम से पहले आता है उसकी लाइव अपडेट्स और देंगे. पाकिस्तान से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम. कैसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हैं आप और कौन है शुक्र आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ पिशावर से, अच्छा पिशावर जी, से छमकनी से मोहम्मद शफीक गिल से. अच्छा जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी चैनल लगा है आपका, प्रोग्राम देख लिया तो हम कहा कि चलो आपके साथ हम आए लगाएंगे हाय. PSL पर. थैंक यू सो मच. आप देख रहे हैं आजकल मैचेस? यार मैं तो बहुत शौकीन नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल सकता, मगर फेवर की वजह से, क्योंकि की वजह से मैं देखता हूँ और मैं फेल हूँ. नहीं, पाकिस्तान से जब कॉल आती है वो जरा ड्रॉप भी होती है. सबसे प्यारी बात हमारे पठानों की, सबसे प्यारी बात, नो मैटर हम लोग किस जगह पे भी खड़े हो ना, हम लोग सच ही बोलते हैं. ऑनेस्टली. PSL मेले में शौकीन नहीं हूँ क्रिकेट का, लेकिन ऐसी वो बस सिर्फ मेला ये मुझे फोन करने के लिए उन्होंने कॉल की थी कि मैं पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करता हूँ, अच्छा आपके साथ खड़ा मैं हूँ. सोचे इसलिए कॉल की कि ये बताने के लिए मैं शौकीन नहीं हूँ क्रिकेट का. हमारे साथ करीब ही है चमकनी, उधर से था सज्जाद चमकनी, नसीम चमकनी, सज्जाद अच्छा चमकनी अच्छा ग्रेड टू खेलता था, डर्बी शहर से भी खेलता था उधर से. अच्छा तो अच्छा उसने सच बोला कि मैं ज्यादा शौकीन नहीं, लेकिन टेलीविजन की वजह से जो आप लोगों का हाँ कॉल जी किया. हाँ जी. नहीं एक्चुअली जब जब मुझे ये पता चला कि PSL का मैं ये अब प्रोग्राम करने वाली हूँ, मैं तब से लेके बैठी हूँ, वरना मुझे सिर्फ इतना पता था जलमी जीता है, कराची जीता है, ये मतलब यही चीजें मुझे पता चलती थी, और वो भी हमारी लाइक ग्रुप्स वगैरह की वजह से. अब्बास की तरफ मैं जाऊंगी क्योंकि जब आपसे मैं बात करी थी अबाउट मेमोरीज, मैं देख रही थी कि इनका मुंह यूं यूं हो रहा था, मुझे कुछ बात बताना चाह रहे थे, लेकिन सॉरी आपको मौका नहीं मिल रहा था. आप बताएं कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया कनेक्टेड टू क्रिकेट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. ऐसे बेहतरीन एक मेमोरी है, मतलब जी काफी हैं, लेकिन मतलब एक आध है जो 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 चप बिल्कुल, गया. हाँ जो मतलब जब भी क्रिकेट देखते हैं और ऐसे संजीदा किस्म का मैच चलता है तो उस टाइम में फिर मतलब वो मेमोरी याद आ जाती है. वो हुआ यूं, मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया का को कोई मैच था. ऑफ कोर्स हाँ, और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप के टाइम में, हाँ क्योंकि वो फिर वो अलग ही हाँ होती है, वो वो अलग क्लैश ही फीवर होता है. एग्जैक्टली, वो फिर वो क्लैश खतरनाक टाइप का. अच्छा और फिर मजा तभी आता है ऐसे मैच देखने का दोस्तों के साथ, यस ट्रू. अकेले ऐसे मैच अकेले घर पे बैठ तो हाँ हाँ वो मजा नहीं आता. तो मैं अपने दोस्त दोस्त के घर पे गया था, ये बचपन की बात है, ओके हाउ ओल्ड वर यू? मेरे ख्याल से मैं था तकरीबन कुछ यही 13 14 15 साल. ओके हाँ, टीन्स, योर हाँ टीन्स, जी हाँ जी. ओके. तो मेरे जो अंकल बुलाते दोस्त के जो वालिद थे उनको क्रिकेट का बिल्कुल कुछ शौक नहीं है, अच्छा लेकिन वो थे ब्लड प्रेशर के मरीज. आई नो वेयर दिस तो इज आप गोइंग. अंदाजा अंदाजा लगा सकते हैं, वो एक कोने में वहां पर बेड पे लेटे हुए और यहाँ पर हम लोग मैच देख रहे हैं और दोस्त लोग फिर वही उछलना कूदना, ऐसे होता है ना वो रिएक्शंस. तो जब हर एक बॉल में वो रिएक्शंस फिर कुछ और ही हो. मेरे जो मतलब दोस्त हैं जी वो तो मतलब होता ना उछलने लग जाता था और इधर उधर भागते. ओके. तो आई जो कैन मेरे इमेजिन, अंकल आई एम ट्राइंग टू इमेजिन दिस होल तो थिंग. मेरे जो अंकल हैं आपके दोस्त का नाम बताएं ताकि वो दोस्त अगर देख रहा हो तो. अच्छा उनका नाम अदनान, भाई है वगैरह, अदनान अदनान और फैसल. अच्छा, वो जो हाँ ओके ओके हाँ जी. तो अंकल जो है इमेजिन वो बिल्कुल मैच देख नहीं रहे और वहां पर बेड में लेटे हुए, मतलब ऐसी मैच वो टीवी की तरफ गर्दन मतलब मोड़ के देख लेते थे. फिर जब वो बहुत ही ज्यादा मतलब उछल कूद हो गया वो वहां से उठे और टीवी मतलब होता ना तोड़ दी. तो ये सबसे खतर मतलब होता ना ये मेमोरी जो है बिल्कुल. सो एवरी टाइम बेचारे तो उनको हमने मतलब अफसोस की बात ये है कि हमने मैच वो कंप्लीट नहीं होने दिया.
बिकॉज ऑफ दिस होल बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उन्होंने उठ के टीवी तोड़ दी. हमारे पास एक शारजा से कॉल आई है. अस्सलाम वालेकुम. हाँ क्या हाल है, कौन बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अहमद फारूक बोल रहा हूँ. रजिया आप कैसी हो? ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. सही सवाल से कैसे हो शहबाज जी? जी फारूक भाई बोलिए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है शहबाज भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो. क्यूट लगे. बहुत शुक्रिया आपका. वो ब्लश कर रहे हैं बीच वक्त. शहबाज भाई आपके लिए तो इधर लाइन लगी हुई है, हम लोग मोबाइल उठा के खड़े हैं, नंबर इतना बिजी जा रहा है आपका. आए है। अच्छा अच्छा ये तो आपका प्यार इतना लाइक कर रहे हैं, इतने ज्यादा दोस्त फ्रेंड इधर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके बात करने का. ये तो आप दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है जो आपने मुझे कॉल किया. देखिए हमने भी चाय दी. ओके हम भी प्यार करते हैं. मेहरबानी, आप भी हमारे लिए टाइम निकालते हैं, अपना ड्यूटी छोड़ के आप बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों का. ये तो केटू की मेहरबानी है कि जिन्होंने आपको लाइव लिया है. हाँ और केटू का खास कर आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. इसकी वजह से आपने हमें जलेबी चाय जो भी आपके हाथ में हो लेके आ जाएं, हम आपका शुक्रिया कबूल कर लेंगे. कोई टेंशन नहीं है, आप भी हमारे पार्सल करते हैं, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं ये देखिए हमें पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको लाना तो जरूरी था ना, क्योंकि आज हमारा पहला शो था यहाँ पे, तो हम चाहते थे कि वो जज्बा हमारे शो में हो. जी जी हम तो आधा घंटा से वेट कर रहे हैं, आपकी कॉल भी बहुत बिजी जा रही थी. नहीं तो आप जल्दी रखें ताकि और लोग आके कॉल कर लें. जी जी आप उनके नाम ले लें जिनके नंबर नहीं लग रहे. किसी के नाम लेना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं फरकान बात कर रहा हूँ शाहजहा. अच्छा तो वो फारूक थे या फरकान है? जी मैं शहबाज पाकिस्तानी का बहुत बड़ा फैन हूँ. हाय ये तो आपका प्यार है भाई. क्या याद बताऊं, मैं 2016 का पीएसएल ओपनिंग सेरेमनी थी दुबई में. जी जी तो यकीन करें कि सबसे पहले मुझे शहबाज पाकिस्तानी ने मुझे एंट्री करवाई थी ग्राउंड में, तो मैं इनको भूल नहीं सकता. लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ. देखिए वो कहते ना नेकी कर दरिया में क्या कहते हैं डाले वो वाला ना. नहीं नहीं माशाल्लाह नेकी कर और भूल जा बस. भूल जा. हाँ नहीं तो इन्होंने दरिया में नहीं डाले, आप भूल गए. क्योंकि एक्चुअली रजिया बात ये है कि किसी के साथ भला करो नेकी करो तो फिर उसको भूल जाओ, इग्नोर करो. नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. नेकी करके फिर उसको जितलाना जो अच्छी बात नहीं. तो देखिए इतने सालों बाद उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया, इसलिए ये प्यार है ना. फिर अभी याद रखो. थैंक यू सो मच फारूक भाई. मैं इनाम मुस्तफा बोल रहा हूँ. हाँ सर जी मैं इंडिया. अच्छा आप लोग बारी बारी एक एक ले रहे हैं. अच्छा इंडिया लाइन में कितने बैठे हैं? नहीं नहीं फारूक भाई की कॉल लग गई इसलिए मैं भी बात कर लेता हूँ. नहीं नहीं आप लोग का प्यार है इंडिया से. हाँ लग नहीं रही ना, जी जी बता रहा है. अच्छा अच्छा नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बात कर ले. ये भाई कह रहे हैं इंडिया से. वो आप इंडिया से? जी हाँ मैं इंडिया से. अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह. शहबाज भाई को बहुत लाइक करता हूँ. हाँ जी. अच्छा मुझे मेरे साथ आसिफ भाई भी है मेरे साथ. भाई आसिफ भाई लाला जो हमारे पार्टनर है, उन्होंने अपने ग्रीन और वाइट बाल भी करवाए हैं, इसलिए वो भी काफी क्यूट है. वालेकुम वालेकुम सलाम. ये कहिए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपको देख रहा हूँ, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे. हमें भी खुशी हो रही है आपकी बातें सुनकर. बहुत बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह देखिए बहुत फैंस है. आप लोग सोशल मीडिया पे भी हैं? टिकटॉक यूज नहीं करते बाकी है. नहीं नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी काफी वक्त से क्रिकेट मैं आपको बताती हूँ ना कि बाकी लोग तो छोड़े जो आपके फैंस होंगे अच्छे खासे, लेकिन मैं आप लोग को स्टेडियम में ढूंढती थी. जो एक स्टेडियम कैमरा जाता है ना तो मेरी आंखें होती. अच्छा सबसे ज्यादा जो अब्बू मेरे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ही यूज्ड टू ऑलवेज चाचा नहीं थे हमारे चाचा पाकिस्तानी, वो जो मुर्गी के साथ भी आते थे और पता नहीं वो बहुत, और मेरे अब्बू को बहुत पसंद है मुर्गी का आवाज निकालते हैं. अभी उसको इनवेरिक्स अवार्ड दे रही है, इनवेरिक्स सोलर एनर्जी पाकिस्तान उसको अवार्ड दे रही है. 50th उसके 50 साल हो गए ना. हमको भी याद है जब पाकिस्तान मैच हारता था तो सियारा गायब हो जाता था शारजा से, जिसमें
ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में, ये जो पहले तो इतना वो नहीं था ना, फास्ट नहीं था ना, ये तो जिस टाइम ये एंड था ना पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, इधर तो 33 ओवर में 90 रन होते थे, उसके बाद स्कोर होता था, वो स्लो था क्रिकेट। Okay. तो चाचा उस टाइम मुर्गा लाता था, बहुत उसकी बहुत सर्विस है, बहुत खिदमत है चाचा की। अभी लास्ट ईयर हम इकट्ठे थे दोनों इस्लामाबाद में, जब पिंडी में मैचेस हुए थे ना, जी, जी, जी। मैं और चाचा जो मुर्गी वाला, हम इकट्ठे थे और हर मैच में जो ना हम तो मुर्गी बदलती है या मुर्गी वही है? नहीं, मुर्गी वही है उनके पास। 3 साल में टिकटॉक का वजीर आजम बन गया ना, वो भी हमारा साथी था ना फारूक, हमारे साथ इधर से ओके 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 चाचा पाकिस्तानी ओके okay. वो टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर है ना वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये भी होता है? हाँ ये भी होता है। मैं भी एप्लीकेशन डालती हूँ, मैं भी पठानों की शान बांधे, हम मैं चाची बन गई हूँ। यूसुफ यूसुफ पठान जो है वो उसका हो गया सीएम हो गया सिंध का, इनका है वो क्रिकेट की वजह से हम लोगों से गया, हम लोगों के साथ ये भी होता है ना बात। 3 साल में टिकटॉक स्टार हो, फिर देखते हैं मुझे टिकटॉक पे किसी ने चाची लिख दिया था कुछ करने के लिए, तो उसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी पश्तो में, और उसमें मैंने सिर्फ ये बोल दिया था कि मैंने कहा जब चाची बोल दिया है, कहती चाची आपकी उम्र क्या होगी, ऐसी उसने, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे दूं। तो मैंने हाँ, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल गई। अब हमारे घर पे कोई आता भी है ना तो कहती है आप चाची नहीं है, हमारी चाची नहीं, सारे पठान मेरे जो भाई है सबकी चाची बन गई मैं। अच्छा, पाकिस्तान से एक कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कौन बोल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रही? मैं जाकर। कौन बोल रही है? मैं जाकर जाकर बात कर रही हूँ। डॉक्टर जाकर, डॉक्टर साकिब, राहिदा डॉक्टर राहिदा जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पिंडी से, पिंडी से बोल रही हूँ। अच्छा जी जी, तो प्रोग्राम देख रही हैं? जी मैं देख रही हूँ। अच्छा जी, कुछ आज के टॉपिक के हवाले से आपको कुछ कहना है या हम आपसे डॉक्टरी के हिसाब से बात करें? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, कुछ हमारे गेस्ट आए हुए हैं पीएसएल के सिलसिले से, आपसे कोई बात करना चाहती हैं? आवाज नहीं आ रही इनको, आवाज आ रही आपको? मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए फोन किया है। सच के मुझे सिर्फ आप अच्छी लग रही है, तो मैंने आपसे और बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे बात करनी होगी। थैंक यू सो मच, मेहरबानी होगी। हाँ नीनी, थैंक यू सो मच। आपने प्यारी है, बहुत है। तो आप मॉर्निंग शो देखती हैं हमारी? मुझे नसर का नंबर चाहिए, अगर आपको सूरज नाथ सूरज तरफ से मोहब्बत है ना, तो मुझे वो दे दो। थैंक यू, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती है ना, मैं उसी में बहुत खुश हो गई। मुझे आप बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बस ये आपका प्यार है? हाँ, ये आपके ने जो शर्ट पहनी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे अपने एड्रेस दे दे, मैं पिशावर पिंडी भिजवा देती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। हाँ, ये मुझे ना, मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे बस पता नहीं लगाओ बहुत है, आप अच्छी लगती हो इधर या फिर बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, थैंक यू सो मच। कॉल ड्रॉप होगी, दैट इज सो स्वीट। नहीं एक्चुअली मेरी नॉर्मली इंस्टाग्राम वगैरह से काफी फॉलोइंग है, मैं यहाँ पे बताती नहीं हूँ, लेकिन मेरी काफी मेरी सबसे ज्यादा औरतों में है, और विमेन एम्पावरमेंट में मेरा बहुत वो होता है, तो मेरी जो होती भी है वो सारी जो फीमेल्स होती हैं। यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि आदमी भी फैंस हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया पे होती थी टिकटॉक से अलावा, तो मेरी सारी फीमेल फॉलोइंग होती थी। तो केटू, जब मैं केटू पे आई हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि एक मिक्स फॉलोइंग होती है, एक 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 तरफ से आपके बहुत सारे लोग, लेकिन टीवी की अलग ही एक कहते हैं ना, आई वुड से फैन फॉलोइंग, लेकिन एक व्यूअरशिप होती है, तो उसके अलग तरीके से लोग आपकी आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि वो लोग एक इंस्पिरेशनल लेवल तक भी देखते हैं बहुत सारे, मतलब यू नो आप कुछ भी पहने। लास्ट टाइम मैंने एक पश्तो वाला शो था, उसमें मैंने
ट्रेडिशनल अफगानी टाइप पहना था, यकीन माने उसके बाद लोग तस्वीरें मांग रहे थे कि ये ड्रेस हमने मंगाना है। मैंने कहा यार ना ये तो ऐसी कोई ड्रेस था, उसको मैंने ऐसे कर दिया। एक प्यार होता है ना। एक जुलाई 2004 में खैबर टीवी लॉन्च हुआ, वो और लाला का जो है ना ये सेम है, इसका भी ग्राफ डाउन नहीं हुआ, लाला का भी ग्राफ का भी डाउन नहीं हुआ। खैबर टीवी को लोग देखने के लिए जुम्मे को जो है ना टीवी से हिलती नहीं, हालांकि अभी आजकल मोबाइल आ गए, लेकिन खैबर का जो आप केटू नहीं देखते, मैं केटू में बैठी हूँ। केटू 7 अगस्त 2008 से आए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, 4 साल छोटा है खैबर से, लेकिन ये भी जो है ना। अच्छा जो भी हो, हम और तो इसी बात में खुश हो जाते हैं कि हम छोटे हैं। मुझे यहाँ की जो एनवायरनमेंट है फ्रॉम मैंने बहुत सारे चैनल्स वगैरह का सुना था, वो किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी मैं बिल्कुल नई थी। फ्रॉम एक सोशल मीडिया लेवल से जब बंदा आ जाए तो वो अलग ही उसमें आता है, एक अलग ही माहौल से आता है ये। तो जब मैं यहाँ पे आई थी मैं बहुत परेशान थी कि मैं किस तरीके से शो करूँगी, किस तरीके से लोग, क्योंकि मेरी तो मादरी ज़ुबान भी नहीं है उर्दू, और उर्दू में जब मैं बहुत पूरी सेंटेंस बोलती हूँ ना तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे घर पे बैठ के तालियाँ मारते हैं। तो मैं पश्तो भी मेरी इतनी साफ नहीं, जो दुबई में बच्चे पैदा होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ना हम लोग यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, ना यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं आप भी इस बात से। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ें हमारी अपनी होती है उसको अपनाते भी है, शलवार कमीज हमारे हैं और चीज़ें होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग ये जो ऐसा माहौल पैदा हो जाता है ना इससे बहुत अपनाइत मिलती है। और मुझे यहाँ पे आके जितना प्यार मिला है और जितनी मैं एक मेंटोरशिप में आई हूँ, हर कोई मुझे एक तरफ से मेंटोरिंग ही करते हैं, और एक टीम है इस्लामाबाद से हमारी एक टीम बैठी होती है, वो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप ऐसे करें आप ऐसे करें, एक अपनाइत होती है। मैंने वो वहाँ पे बैठे मैं यहाँ पे बैठी हूँ इतना वो तो नहीं होता। इनका रिस्पेक्ट लेवल कितना है जीसीसी ममालिक में, मेरा ये चौथा कंट्री है, ये जमरुल्लाह हो गए इनकी टीम का जो है ना रिस्पेक्ट लेवल, इसी वजह से मलेशिया में जो जितने भी हमारे मुसाफर भाई है, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, ओमान में, दुबई में, इनका रिस्पेक्ट लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनका टीम वर्क और इनका जो बिहेवियर है ना, हाँ, यूनाइटेड है सारे बहुत, और एक जगह पे मुहकम है, कितने लोग आ गए कितने चले गए, लेकिन ये लोग आरिफ काजी हो गया, जमरुल्लाह हो गया, जमान अचरजई हो गया, ये सब भाई जो है ना एक साथ सेटअप बनाया हुआ है, तो वो जो टीम वर्क से चल रहा है कामयाबी से चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इनका बहुत बड़ा रोल है इनकी कामयाबी में। तो अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे और जो दोनों चैनल है इनको तरक्की के मनाजिल और भी ज्यादा होता है, हमें खुशी होगी। वैसे आप भी बहुत मिक्स कल्चर में, यू आर अ कैबिन क्रू, तो आप भी बहुत मिक्स कल्चर में होते हैं, तो जब ये ऐसी जो चाहे वो पाकिस्तान डे हो, मतलब यू नो 14 अगस्त, या आपकी फ्लाइट पे हो, कुछ भी हो, ऐसे कोई वाकया होती है व्हेन यू गो एंड आप अपनी लाइक यू नो जैसे इन्होंने ये पहना हो, मैंने आपको बताया कि मैंने भी पाकिस्तान का वो पहन के, तो ऐसा कोई वाकया किया है, मतलब ऐसा कोई वाकया है आपकी पूरी कि जहाँ पे यू फेल्ट सो गुड बीइंग अ पाकिस्तानी, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान समवेयर, लाइक फ्लाइट वगैरह हो तो लाइक यू नो ये पाकिस्तान, हाँ अभी डिपेंड करता है, अभी तो नहीं, अभी तो हाँ अभी तो फ्लाइट्स में अगर पाकिस्तानी इस तरह कोई यूरोप सेक्टर में अगर फ्लाइट हो रही हो मतलब और पाकिस्तानी मिल जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक कनेक्शन हो जाती है, एग्जैक्टली बातचीत शुरू हो जाती है, हाँ जी हाँ जी, वो अपनापन शुरू हो जाता है और बातचीत होती है फिर। तो वो पाकिस्तान जब नेशनल डे होता है, मैं चाहे जिस कंट्री में भी हूँ, अगर मैं बाहर जाता भी हूँ तो ऑफ कोर्स मैं अपना ये पाकिस्तान जो भी है, शलवार कमीज तो नहीं लेकिन हाँ इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं ग्रीन टी शर्ट पहन लेता हूँ, वो मतलब हाँ, वो पैट्रियोटिज्म रहता है। ओके नहीं हमारे मैं भी जब लास्ट कंपनी में थी तो मैं जैसे ये जैकेट येलो है तो वो मैंने जिस दिन वो था आई मेकअप में ग्रीन करती थी, एक पैट्रियोटिज्म होता है किसी तरीके से भी आप जब ये डालते और नेशनल एंथम जब वो बजना शुरू हो जाए अंदर से ये खून जो है ना ये बिल्कुल सरायत कर जाती है बॉडी में, ये हुब्बी वतनी की जो है ना मिसाल, वो अंग्रेजी में वो कहावत है ना आई ब्लीड ग्रीन, हाँ जी हाँ जी, तो मतलब जो खून है वो भी ग्रीन ही है, हाँ, तो मतलब वो देख लो मैं सिर्फ बता रहा हूँ पैट्रियोटिज्म की बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यार है वो अंदर से निकल आता है। हाँ जी अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, कोई भी कंट्री अपने मुल्क से प्यार करे जितना भी कर सकते हैं,
क्योंकि अभी ये लास्ट जो पीएसएल पाकिस्तान में हुआ था, मैं आपको अपना मैं बताता हूँ कि मैं सियालकोट से इधर से गया हूँ, जैसे ही पहले कराची में गया हूँ, फिर उसके बाद मैचेस आ गए लाहौर। ये वाली बात हम आपसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास अभी एक छोटा सा ब्रेक का आया है, ये बात याद रखें, हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाइज आप लोगों ने मुझे बहुत अलग किस्म के गेस्ट दिए हैं, मेरा पूरा मेकअप खराब हो जाने वाला है। इन तीनों ने पूरी ब्रेक, जितनी भी ब्रेक गुजरी है, इन्होंने ऐसे ऐसे वाकये सुनाए कि हम लोग सब एक दूसरे की आंखें देख रहे हैं, हमारे जो कैमरामैन है वो भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ, हम लोग सब एक दूसरे पर लोट पोट हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप दोनों की तरफ जाऊँ, हम लोग के पास तो बहुत सारे वाकया हैं, मैं आवाज से पूछने वाली हूँ इनकी, आपके पास अपडेट आई है आज के मैच की? जी जी, अभी जो ये भी चल रहा था ब्रेक के दौरान, इतना हुआ है, अफरीदी ने ये किया, उसने ये किया, अभी हो रहा है 42, यूनाइटेड को 41 चाहिए, 41 रन चाहिए जी, 29 बॉल्स बचे हुए। प्रेडिक्शन क्या है? कोई प्रेडिक्शन? हाँ, अभी ऑफ कोर्स यूनाइटेड के साइड, हाँ, उनके 111 रन एंड 6, नहीं 110 रन है और 6 खिलाड़ी आउट हैं। अच्छा ओके, मेरे कान में 111 आए हैं, हाँ वो वहां पे ज्यादा अपडेटेड है, तुम्हारा रिफ्रेश करो। अच्छा, रिफ्रेश करवा। अच्छा आप हमें चाचा पाकिस्तान, नहीं मैं उनके बारे में कुछ बताया, हाँ, मैंने जो जिक्र किया था चाचा क्रिकेट, चाचा क्रिकेट के ऊपर से, हाँ क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग बचपन से चाचा क्रिकेट को जब भी देखते थे तो मतलब वो अलग सा होता ना, उनको देख के एक जज्बा आता था, खुशी होती थी, चरगा देख के। हाँ, तो मैंने जब उनको लाइव देखा एक बार स्टेडियम, दुबई स्टेडियम की बात है, उनको मैंने लाइव देखा, तो मैं और मेरे जो भाई हैं, हाँ जी, हम लोग ऐसे होते ना कि भाई चाचा के साथ तो तस्वीर लेनी लेनी, लेकिन चाचा को पहले से जो पब्लिक है, क्राउड है, तस्वीरें ले लेके वो बिल्कुल पक गया था जी। तो जब मैं चला गया तो उन्होंने कहा कि मैं भाई रुकने वाला, रुक के तस्वीर नहीं खींच सकता, मैं चलते हुए भागते हुए, वो पता नहीं किसी क्या वजह थी लेकिन वो भाग रहे थे। okay. तो बोल रहे थे कि भागते भागते बेटा भागते भागते तस्वीर ले लो, तो मैं इस तरह फोन उठा के, चाचा यहाँ पर भाग रहे, भाई उस साइड में, हम लोग भागते भागते हमने दो ये विक्ट्री साइन भी कर दी है चाचा। okay. तो जब बाद में तस्वीर हमने देखी, बड़ी खुशी से, होता ना शायद तस्वीर अच्छी आई होगी, उसमें सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे हैं और चाचे की दाढ़ी। तो that is, you can phrase तो that. हाँ, तो वो तस्वीर अभी भी है, तो मैं और मेरे भाई जब भी देखते हैं तो वो मतलब होता है ना मेमोरी याद करते हैं कि हमने भी चाचा क्रिकेट के साथ तस्वीर ली है, वो बड़े फखर से वो अभी उनकी दाढ़ी और आपकी दांत। तो बस ये एक बस चाचा क्रिकेट, हाँ चाचा क्रिकेट की मेमोरी है। एक्चुअली चाचा इन्होंने जो ना पिक्चर चाचा के साथ एक दो नहीं ली होगी, 3-4 पिक्चर ली होगी, इसलिए चाचा को गुस्सा आया होगा। नहीं चाचा बहुत अक्सर ऐसे ही होता है कि हमें, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब लोग 3-4 पिक्चर लेते हैं फिर बंदा जो ना थोड़ा सा, आपने अगर मेरे साथ सेल्फी ली होगी तो इसमें मैं मोटी आ रही हूँ एक और ले, लड़कियों के साथ कभी ले ना तो हम लोग के तो एंगल्स भी होते हैं ना, लेकिन लड़कियों को आप लोग ना नहीं करते हो। अभी शहबाज भाई लाला देख रहे हैं, कहते हैं नहीं मैं तो करता हूँ, लड़कियों को तो ना नहीं करते होंगे ना। नहीं उसने अपना मैनेजर भी रख लिया था ना इधर, वो कितनी ऊपर गई थी रिजला रेहान। अच्छा, जेट्स पाकिस्तानी फैन, क्या बात, एक सेल्फी की वजह से ना, वो एशिया कप में वो उसको बार बार वो लोग शो दिखा रहे थे, उसके बाद क्या बात है, मैं भी जाऊंगी, कहाँ पे मैच हो रहा है मैं भी आ रही हूँ, मेरे पास भी पाकिस्तान का एक पूरा कुर्ता है, मैं भी आऊंगी। हाँ चलो, अच्छा सर मुझे जाने देंगे आप लोग? अच्छा रजे जी इनका, अच्छा आज का जो मैच है, इससे पहले कि हम लोग गपशप करें, आज के जो मैच था जलमी और उनकी बीच में, लाहौल कलंदर्स की बीच में, जिसमें हम लोग जलमी लोग जख्मी हो गए, उसके हवाले से टेलीनॉर ने ताउन किया है, एंड ये मैच के हाइलाइट्स आपको दिखाएंगे। बेसिकली जितनी भी हमारी जो पीएसएल क्रिकेट मेला चलेगा, तो ये टेलीनॉर की तरफ से हमें ये एक हाइलाइट्स मिलेंगे हर प्रोग्राम में, और आज के जो और जो जो ये प्रोग्राम भी है ये भी उनकी लाइक यू नो उनकी तरफ से है, ताउन ने किया है, स्पॉन्सर्स किए हैं। आप हमें एक जी सर मैं उनसे बात की, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो उड़ान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सो टू ग्रेटर हाइट्स,
और टेलीनोर जो हर पाकिस्तानी चाहे। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं हमारे इस रंगारंग मेला के लिए, और जो हमारे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट आते हैं उन सबको इकट्ठा करने में भी इन सबके बहुत बड़ा हाथ है। शहबाज आप मुझे कुछ बता रहे थे अबाउट एक फ्लाइट पे आप जा रहे थे और मैंने आपको काट दिया था। एक्चुअली नहीं, शेयर की बात तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये मैं आपको फ्लाइट वाली बात मैं बता देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान 2004 की बात है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का। और उस दिन मेरी ये रिकॉर्ड भी है कि हमने कभी जीता नहीं है। नहीं जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। हम पहले बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज से मुझे बहुत बहुत छेड़ा जाता है। हम पहले भी चैंपियन हैं और अब भी चैंपियन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा चैंपियन ही रहेगा। और एक्चुअली बात यह है, पहले मैं आपको फ्लाइट की बात बता देता हूँ। 2004 का मैच था, पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल था और हमें जाना भी था पाकिस्तान उस दिन। मैं अब ये भी खुशी थी कि पाकिस्तान घर जा रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी ये भी खुशी थी कि अपना वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच, और ये देखेंगे हम कैसे, फ्लाइट में देख नहीं सकते। अच्छा। फिर एक्चुअली उधर क्या हुआ, जब हम जहाज में गए तो हमारे साथ जो पायलट थे वो भी पाकिस्तानी थे। ओहो। तो हमने कहा अब कैसे मैच को हम जो ना लाइव देखें। फिर वो क्या करते थे, हर ओवर के बाद हमें आके अपडेट देते थे। अच्छा। कि पाकिस्तान कौन सी फ्लाइट पे था वैसे? ये मैं अपना पीआई के पीआई पे, यही फ्लाइट पे पाकिस्तानी जो ना पायलट थे उनका नाम शायद, वैसे अपडेट्स तो फिर बनती थी तो फिर वो आते थे। और मैं भी देता हूँ ये फैंस वगैरह जब होते हैं। अच्छा। और लाइव लाइव वगैरह कुछ बंदोबस्त नहीं होता है तो फिर वही कैप्टन के पास जाके अपडेट्स लेके फिर पैसेंजर्स को बताना। अच्छा, ओके ओके। हां ओके। और जब कभी चौका छक्का लगता तो खुशी भी होती तो शोर जहाज के अंदर, और जब कोई आउट होता है थोड़ी देर के बाद आता कि एक आउट हो गया तो फिर वो तो बुरा भी लगता, बुरा भी लगता। हाँ। और जब पाकिस्तान की भी खुशी थी, और जब पाकिस्तान हारा, हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पाकिस्तान हार रहा था तो बहुत टेंशन थी, परेशान भी थे घर वाले। आप ऐसे जा रहे थे? नहीं ऐसे किसी जा रहे नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। शेर के साथ? शेर, शेर का तो एक्चुअली ये है कि अबूजबी और दुबई के लिए जब जाता था तो शेर कम से कम 10-15 किलो का शेर था, और है भी असली लाइव शेर नहीं, असली समझे वो दिखने में असली लगता था लेकिन असली नहीं था। वैसे मुझे भी ऐसा लगा ये कौन सा किलो है। अच्छा। तो एक्चुअली क्या होता था, पहले हमने जाना शारजा से आना पैदल बस तक आना। Okay. बस पे फिर बैठना, फिर हमने मेट्रो तक आना, शेर भी मेरे बगल में। हाँ। और फिर असली नहीं हो सकता, और मेट्रो में भी गए पाकिस्तानी ड्रेस के साथ और मेट्रो के अंदर बस के अंदर हर कोई इंडियन पाकिस्तानी सारे पूछते मैचेस के लिए जा रहे हैं, जो पता था मैच के लिए जा रहे हैं। तो जब हम ग्राउंड के अंदर जाते थे तो जब एंटर होते थे तो उधर पठान भाई, और पठान भाई जब शेर को देखते तो पॉलिटिकल नहीं है ये शेर। स्टेडियम के अंदर जब जैसे ही मैं एंटर होता था गो नवाज गो के नारे और आई आई पी टी आई के नारे लग जाते थे, मैं उनको यही बोलता था भाई। अब जमीन में झगड़ा हुआ हमारे साथ, वो बोलते तुम ये, हम बोला ये नहीं है शेर, ये वो नहीं शेर नहीं है। मैं तो आपको चाहिए था ये 15 किलो के जो शेर ऐसे गोल गोल घूमे वो भी घुमाता है एक पठान नहीं, नहीं शेर की वजह से इसकी पहचान थी ना शेर इसका, क्योंकि एक्चुअली मेरी पहचान शेर की वजह स्टार्टिंग में हुई थी। अच्छा। और एक पठान ने तो मुझसे शेर पकड़ लिया, फिर उसकी पूंछ पे पकड़ के उसको घुमाया भी ऐसे। देखो एक पठान ही ये चीज समझ सकता है। नहीं हम भी पठान हैं, हम इसका फेवर, हम उसके साथ लड़ा, हम बोला भाई ये वो शेर नहीं। लेकिन है। आपको तो पता था ना, तो ये पठान को तो नहीं पता वाला जो पठान है वो अलग किस्म के पठान है। आप पठान को पता? हाँ वैसे आपको पता नहीं होता तो आप भी यही करते। नहीं नहीं वैसे बात सही है, वैसे सोचने वाली बात है ना मतलब वो। और मैं फिर उनको यही बोलता था भाई ये PSL का पाकिस्तान सुपर लीग का शेर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का शेर है, ये वो शेर नहीं है, ये शेर है, हाँ ये शेर है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं लो। हाँ। पॉलिटिक्स जो ना घर में छोड़ो, इधर हमें एंटरटेनमेंट करने आए हैं, मैच देखने आए हैं, पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने आए हैं, वो ग्रो वैसे नहीं। रूटीन शुरू होती थी वो मोबाइलों में उठते बैठते पूरा, उधर से इधर से आवाज शुरू होता था, उधर से घूम के शहबाज भाई शेर के साथ गो नवाज गो, जैसे जैसे मैं शेर हाँ
और ये है मिशेल कोटे, ये कुछ और है। जैसे मैं ऐसे शेर को ऊपर उठाता, इधर से कोई पठान इधर से पकड़ के लेता, कोई इधर से पकड़ लेता, भाई ये इसको हटाओ। और नाम भी मेरा शहबाज, और साथ में शेर भी, साथ में शेर भी, और ये भी होता ना फ्लाइट से आके आपके शेर की पूछ ली, और इलेक्शन वाला टाइम भी है, शेर अभी भी है। नहीं, नहीं, अच्छा, लेकिन लेके नहीं जाते हो? नहीं अभी नहीं, इधर नहीं लेके आया। एक्चुअली मैं लाहौर में लेके गया था, लाहौर में लेके गया था, तो उस वक्त क्या हुआ था, लाहौर में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, उतर गई हुई थी, अभी चल रहा था जरदारी था उस वक्त जो ना, ओके ओके, तो चल रही थी। तो मैं जैसे ही अंदर हुआ तो पुलिस वाले भी उस वक्त इसके खिलाफ थे। बोल मैंने बोला यार ये तो एंटरटेनमेंट करने आए हैं, इसको अंदर जाने दो। मैंने एक पुलिस उसके पास जो अफसर के पास उसके पास गया, उसके पास मैंने बोला यार इसकी इलाज रखो, ये मैं पाकिस्तान फ्लैग के साथ, बोलता ये नहीं जाएगा तुम अंदर जाओ इसको नहीं। मैंने बोला मैं तो लेके जाऊंगा भाई इसको, ये तो पाकिस्तान की पहचान है इसको। बोलते हैं ये नवाज शरीफ, मैंने बोला नहीं नवाज शरीफ नहीं, ये पीएसएल का, ये हमारा लेबर ऑफिसर था चौधरी तनवीरुल हसन, अभी मैंने हारून आबाद से, तो हमारा कतर में वो लेबर ऑफिसर था, तो मैं उससे मिलने गया हमदान सिटी में, तो उसने मुझे कहा नहीं क्या, मैं मिला चाचा पाकिस्तान, चाचा T20 भी था, मुझे कहा नहीं क्या, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो शेर वाला लेके आओ। मैंने कहा शेर वाला ले, क्योंकि उसका निशान भी शेर था ना मुस्लिम लीग में। मैंने कहा सर शेर वाला लेके आऊंगा, फिर मैंने इसका नंबर दिया, कोई फंक्शन था भी उधर गया था, शेर वाला बहुत मशहूर था शेर, उसके साथ भी अपने शेर को आप व्हाट्स द स्कोर, अच्छा अभी स्कोर देखते हैं, 15 बॉल्स 23 रन निकालने आई हैं, एक समय भी अपडेट होता है, 15 बॉल्स 23 रन जॉर्ज, व्हाट डू यू गाइस थिंक, अभी 14 बॉल हो गए, प्रेडिक्शन क्या है, चलिए हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, अभी भी कह सकते हैं 50-50, क्योंकि कुछ भी हो सर, एक विकेट डाउन हो गया तो फिर जॉर्ज लुइस जॉर्ज जो खड़ा है हो जाएगा, लेकिन बस एक विकेट गिरने की देर है, प्रेशर वो था ना, वही प्रेशर की बात है, यही तो मैं आपको, यही मैं आपको कह रहा था ना, पीएसएल की जो बॉलिंग है ना, वो पीएसएल में जो बॉलिंग वो टॉप क्लास की बॉलिंग है, ये कितने स्कोर होते हैं दूसरे लीग्स में, होता 200-250 स्कोर, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नहीं जफर गौर और वो कर है ना, इस्लामाबाद जीत जाएगी इंशाल्लाह, सा टफ मैच लग रहा है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह इस्लामाबाद जीत जाएगा, क्योंकि ये अप डाउन होता रहेगा मैच, जो CPL होता है, बिग बैश है, IPL है, श्रीलंका प्रीमियर लीग है, आप लोग वैसे जब अगर कोई जीत भी होगी तो आप लोग कमाल लिए नाचेंगे, फिर तो हल्ला गुल्ला होगा ना, खूब हल्ला गुल्ला होगा, मैं जाके शेर लेकर आता हूँ, वैसे मैंने काफी फैंस जितने भी देखे हैं, इस्लामाबाद के काफी देखे, कराची के भी देखे, लेकिन पिशावर जलमी का पता नहीं, या तो मैं क्योंकि मैं खुद हूँ तो मुझे वही नजर आते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल लोग भी जो पिशावर के नहीं है वो तक वो उसकी वजह है, पूरे जो पीएसएल की जो चीटी में है ना उसमें जो सबसे ज्यादा रेशो है ना फैन रेशो जब जी। वो पिशावर जलमी को लाइक करते हैं और ज्यादा फैन पिशावर जलमी की है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हमदर्दी राणा साहब के साथ है, लाहौर कलंदर, सही बात, मैं ये अभी इस बात लाहौर कलंदर के जो जो राणा साहब है ना, दी दी ओनर ऑफ लाहौर कलंदर, ओके ओके, वो जो पेट्रोलियम का बिजनेस था उसका कतर में, वो बिजनेस वो दरामदर छोड़ के इधर आए ना राणा फवाद, लोग जब उस लोग उसके लिए रोए भी है, खुद जब उसकी आंखों से आंसू गिरे ना उसके लिए लोग बहुत हमदर्दी है लाहौर कलंदर के साथ, मतलब वो इतनी क्या कहते हैं शिद्दत, नहीं और मैंने बीच में सुना भी था कि लाहौर कलंदर वाज इवन ट्रेनिंग पीपल, उनकी तो काफी 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 ये लोग नए नए टैलेंट्स को भी वो देख रहे हैं, अफरीदी ये आगा सलमान ये बहुत दिलबर हुसैन को केतो से लेकर आए, नहीं मैं वही बोल रही हूँ, जितने मैंने लाहौर कलंदर को सुना भी है, मैंने दुबई में भी एक दो लोग हैं जिनके यूट्यूब पे मैंने देखा था कि ये लोग नॉर्मल लोगों को भी ट्रेन करते हैं उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में उधर मैचेस करवाते, एक बॉलर ढूंढा था ना जो लेफ्ट और राइट दोनों से था, उसके लिए कितना पैकेज रखा कि आपको हम आपको ये देंगे, वो आगा कहां से, वो लाहौर से तो पठान था सब्जी वाला, अच्छा। लाहौर में और ये जो really? कश्मीर से सलमान अहमद, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मैंने लाहौर कंदर का ये सुना था कि ये लोग हिडन टैलेंट्स भी पूरी दुनिया में घूमते, मैंने यहाँ पे दुबई में मैंने नजर, और आकिब जावेद का बहुत रोल है, बहुत अच्छे अच्छे सितारे पाकिस्तान को दिए, शहनशाह अफरीदी ये भी, आगा सलमान और ये सलमान अहमद,
सलमान अहमद ये कश्मीर से जो जिसने फर्स्ट बॉल किया और फर्स्ट बॉल पे विकेट लिया शारजा में। पाकिस्तान को अभी बहुत टैलेंट मिल रहा है और बहुत उभरे हैं, नई लड़कियां आ रही हैं, क्योंकि वो उनको एक्सपोजर, क्योंकि आप जब मैंने देखा है कि जब एक टीम बन जाती है और चीजें होती है तो वो जो देखे हर कंट्री में ये होता है, सिर्फ हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान में ये है क्योंकि एवरीबडी सो पैशनेट क्रिकेट के ऊपर, इतने पैशन है कि आप तो नॉर्मल, आप तो खेलते भी नहीं है लेकिन आपको एक जज्बा है, तो इमेजिन करिए जो लोग खेलते हैं वो लोग तो उठते नहीं, क्रिकेट स्लीप क्रिकेट, आपका बात काट रहे, हमारा स्ट्रक्चर अभी सही हुआ, अभी ये जो छह टीमें हुई ना, पहले डिपार्टमेंट टीमें थी, 42 साल तक प्लेयर खेलता था सिर्फ सैलरी के लिए, बैंक के साथ, स्टेट बैंक के साथ, सुईनादरन ये व्हाइट पिशा कराची व्हाइट कराची ब्लू, उसकी वजह से अभी जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया ना, अभी देखो गुलाम अली कितना टॉप स्कोरर रहा, ये नोमान अली, ये जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया की तरह होगा, इंशाल्लाह हमारा टीम बहुत जबरदस्त हो जाएगा एक दो साल में, बहुत टॉप पे चला। लेकिन बस पीएसएल का सबसे मेन एडवांटेज पाकिस्तान को ये है कि दे आर गिविंग यंगस्टर्स, हाँ यंगस्टर्स दे रहे हैं, और जावेद अफरीदी जो है ही द ओनर ऑफ क्या कहते हैं पिशावर जलमी, ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ बिग रोल, वो भी हाँ जी पिशावर साइड में दो आदमियों का बहुत रोल है इसमें। अभी ये जो आ जाया अर्शद ठीक है, वो जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, ये अंडर 19 से उठाए लोग, ठीक है। अच्छा मैं एक थोड़ी सी जिक्र करूंगी टेलीनॉर का, जो हर पाकिस्तानी चाहे, जब हम लोग ये पाकिस्तान 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 करते रहते हैं तो टेलीनॉर का जब मैं नाम सुनती हूँ, उनका जो स्लोगन है जो हर पाकिस्तानी चाहे, लिटरली इनका कनेक्शन मैं जो पीएसएल के साथ भी देख रही हूँ, हमारे इस प्रोग्राम के साथ देख रही हूँ, वो यही, ये जो हर पाकिस्तानी चाहे, ये मुझे अभी फील हो रहा है, यू नो, क्योंकि टेलीनॉर का अब मैं कनेक्शन भी इस तरफ देख रही हूँ। और इससे पहले कि मैं एक्चुअली ये प्लान नहीं है, मेरी एक बहुत ही अजीज फ्रेंड है, अबू धाबी में रहते हैं, उनकी आज बर्थडे है और मैंने उनको कहा था कि मैं आके ना यहाँ पे जो उनका गिफ्ट है वो मैं यहाँ पे दूंगी, क्योंकि मैं अबू धाबी तो नहीं जा सकती हूँ। उनका नाम सलवा है, सलवा मुस्तफ़ा, शी इज़ एक्चुअली टिकटॉक से ही मेरी फ्रेंड बनी है, और कपल वाला उनका एक टिकटॉक सलवा मुस्तफा कमाल और सलवा मुस्तफा, उनका वो कपल है, मियां बीवी होते हैं। तो आज सलवा की बर्थडे है और वो बहुत ही प्यारी बहन है हमारी, और पाकिस्तान को ये लोग भी बहुत प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी बर्थडे की, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द ये बॉर्डर्स खुले और हम आपसे मिलने आ सके, ताकि आपका जो गिफ्ट मेरे पास पड़ा है वो भी मैं दे दूँ, और ऐसे ही हम पाकिस्तानियों को हर जगह पे हमारा नाम रोशन करते रहें, बहुत प्यारे लोग हैं। तो ये क्या जी, सॉरी सात बॉल्स और दो रन। अच्छा वो अपडेट में देखता हूँ यहाँ पे, वही ना मैं वही देख रहा हूँ, हम जीत गए ना, हमारा एक्सपीरियंस बहुत है ना, हमारा एक्सपीरियंस बहुत है, वो जीत गए। मैं आपको बोला जफर गोहर और जॉर्ज, अच्छा तो छह रन चाहिए आठ बॉल में, दो बॉल्स, वो ज्यादा अपडेट है, सॉरी सात रन दो बॉल, हाँ जी बिल्कुल, तो क्या बस अभी तो दो रन अभी एक रन चाहिए, एक ओवर में एक रन, हम जीत गए ना, हम आपको क्या बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, मुबारक हो जी। मिठाई का है, मैंने तो आप लोग को खा हुआ था कि जब बारिश का मौसम भी आया, थोड़ी सी बूंदा बांदी भी हुई थी मेरी, ना मुझे पकौड़े मिले ना मुझे मिठाई मिल रही है, शेर आ गया, मुझे वो वाला सीन याद है जब इस्लामाबाद जीता था एंड ऑल ऑफ देम वेंट इनटू द वहां पे सजदा करने गए थे, वो बहुत प्यारा सीन था, सारे रेड जाके जब जी 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 बिल्कुल, वो भी मुझे वो सीन भी बहुत, हालांकि मैं आपको बताती हूँ ना मैं देखती इतनी नहीं हूँ, लेकिन जो हाईलाइट्स होते हैं और जब वो चीज थी वो हर किसी ने हर जगह पे ट्विटर पे आए, इनका बॉल शुरू हो गया, दे 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 ओ ये कहीं और जाता ना तो मेरे दांत नहीं, इन लोगों ने छोड़ दिए थे। अच्छा क्रिकेट के हवाले से बोले,
ये जो आपने कभी देखा होगा कि बारिश के पीछे हम केत लेके जाते थे, ये जो पीएसएल इधर होता था ना और पी टेन लीग, तो एक केच पे कितना इनाम था, 1 करोड़ ना, फिर वही कुल करते क्राउड में जाता था, हम हर जगह गए हमारी तरफ बाल लिया था, हम जिधर जाता था उधर से उठ के उधर जाता था, इतना घूम के आता था। इस्लामाबाद की मुबारक हो, इस्लामाबाद इस्लामाबाद है नकवी साहब, इसमें चलो पिशावर नहीं जीता आज, पिशावर जीत जाएगा आज, पहला मैच था ना, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। मैं तो सोच रही थी अपने लिए टी शर्ट लाने का, अब जब आज का ये हाबरियाज बाहर गए थे ना, बबल सिक्योर की खिलाफ अर्जी की थी, किसी से हाथ मिलाया था, उन्होंने एक मैच के लिए उसको निकाला, आज उन्होंने धमकी दी कि हम नहीं करेंगे, तो कैसे उनको लिया, वापस लिया ना, कैप्टन है ना, सबसे ज्यादा विकेट लिए ना, आज भी अच्छी बात है, 60 से ऊपर है, क्या ये सो अपडेटेड मैन यार। अब मैं जो सुबह उठता हूँ, मैं पहले अभी सुबह मैच है ना, अच्छा, मैं जैसे पहले टिकटॉक चेक करती हूँ, करो वो हमारा तो सिर्फ यही है क्रिकेट, तो वही ना, जब हर सुबह उठते हैं तो ये टोपी पहन के अच्छा आपने ये बाल ये आपके टोपी के अंदर है, ये पाकिस्तान का ही उधर से मिलता है ना, अच्छा नहीं तो ये अंदर जो बाल है ये आपके, नहीं नहीं मेरे नहीं है, ये टोपी के मेरे बाल है नहीं, मेरे भी मेरे पास भी पिंक एक है, ये देखे मैंने भी पिंक लगाया हुआ है, तो मैं इसको पीएसएल के दौरान मैं इसको ग्रीन कर दूंगी, ग्रीन और एक साइड पर व्हाइट करेंगे पूरा पाकिस्तान, नहीं ये तो पिशावर वाला स्टाइल नहीं है, कि बस बातें सुने इनके, इनको मेकअप आर्टिस्ट होना है, ये आप देखेंगे फिर आपके फॉलोअर्स भी और बढ़ेंगे, जो भी लड़के हैं सबको सफेद बाल करके वापस भेजना हाँ जी अच्छा, हमारी जो K2 नेटवर्क है वो इस्लामाबाद में ही होती है, उनकी बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका वैसे भी पार्टनर्स हैं देयर, तो हमारी वैसे भी हमारी पूरी टीम इस्लामाबाद की साइड से K2 टीम, तो बहुत बहुत मुबारक हो, एंड हमारी टीम को भी मुबारक हो, और शेर दाड़ेगा, शेर 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 अभी हमारा पीटीआई ये वाला शेर नहीं है, ये वाला शेर नहीं है, वो शेर नहीं है, इस्लामाबाद शेर है नहीं, लेकिन माशाल्लाह मैं जब भी ये लाल कलर और पीएसएल देखती हूँ मुझे वही सीन याद आता है जो उन्हें सब लोगों ने लेकिन वो जीत के लिए, वैसे इस्लामाबाद इज द ओनली पीएसएल टीम जिन्होंने 2 बार टाइटल जीते हुए हैं, रियली समी गावर नहीं देखा शारजाह में, समी ने कैसी बॉलिंग की थी, हां समी तो अपना हो गया ना, 2 बार समी अपना हो गया, समी हमारी तरफ आ गया, जो फर्स्ट एडिशन था और जो थर्ड एडिशन था पीएसएल का वो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। हमारे पास एक कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हां जी कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है? हेलो हेलो ड्रॉप, ये क्यों ड्रॉप हुआ? तो आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि आज के ये रोज मैचेस होते हैं या कुछ स्केड्यूल के ऊपर, अभी आज आज एक मैच था ना, दो थे आज, अच्छा, आज इस्लामाबाद संडे को दो, हां वीकेंड्स पे फिर दो होते हैं, अच्छा ओके एग्जैक्टली, क्योंकि वीकेंड होता ना, तो और डेली जुमे को भी तो फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे ख्याल से ना, जी चलिए हम लोग एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और मजेदार बातें करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और